नमस्ते दोस्तों, हमारे फासुमा किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं ऑरेंज यानी कि संतरे के फायदे। संतरे में पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, फाइबर, फॉलिक एसिड इतने सारे गुण होते हैं। सेहत और सुंदरता को निखारने का काम संतरा करता है। संतरा पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाता है। बवासीर होने पर इसका जूस पीने से बहुत फायदा होता है। उल्टी और गैस होने पर संतरे का जूस पीने से इसकी शिकायत दूर होती है। संतरे में पोटेशियम मैग्नीशियम होने के कारण यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। इसके नियमित सेवन से दिल की बीमारी का खतरा 30 से 40% कम हो जाता है। संतरा हड्डियों को स्ट्रांग और हेल्दी बनाता है। गठिया के रोगियों को भी संतरा बहुत लाभ पहुँचाता है। संतरे का नियमित सेवन करने से गठिया रोग में ज्वाइंट पेन खत्म हो जाता है। सूखी खांसी और अस्थमा के लिए संतरा वरदान के समान है। रोज़ इसका सेवन से फेफड़ों में जमा कफ बाहर निकल जाता है और अस्थमा अटक होने का खतरा काफ़ी हद तक टल जाता है। संतरे में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमें ब्रेस्ट कैंसर से बचाने का काम करते हैं। छोटे बच्चों के दांत निकलने पर उन्हें बहुत दर्द और तकलीफ होती है। ऐसे में बच्चों को संतरे का रस गुनगुना करके आधा चम्मच पिलाने से दांत निकलने में आसानी होती है। संतरा आँखों की रोशनी को बढ़ाने का काम भी करता है। संतरे का रस और शहद को बराबर मात्रा में मिलाकर एक शीशी में भरकर फ्रिज में रखने से बहुत फायदा होता है। इसे सोने से पहले 2 बूंद आँख में डालने पर आँखों की सभी समस्या दूर होती है। संतरे के छिलके का पाउडर भी बहुत काम आता है। संतरे का छिलके का पाउडर 3 चीज़ों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे रोज मंजन करने से दांत के रोग दूर हो जाते हैं, दांत चमकने लगते हैं। इसे चेहरे पर लगाने से चेहरे के मुहासे खत्म हो जाते हैं, झुर्रियाँ नहीं पड़ती है और चेहरा सुंदर चमकदार हो जाता है। दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं। इसका पाउडर बालों को भी बहुत लाभ पहुँचाता है। बालों को इसका पाउडर दही में मिलाकर लगाने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, बाल लंबे होते हैं, काले और मजबूत भी हो जाते हैं। तो आपको अगर संतरे के इतने सारे फायदे चाहिए तो आप संतरे का सेवन रोज जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।